गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। चलिए वीडियो एंड तक देखते हैं ना। अभी मेरे को ऑर्डर आए हैं। अभी मैं करौंदा तोड़ने गई थी, वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा सीजी में, ठीक है। करौंदा तोड़ने गई थी, भाजी दो प्रकार की तोड़ी हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने तोड़े हैं, तो वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। शायद वो वीडियो पहले आएगी, फिर ये वाला वीडियो आएगी। अभी मैं अचानक वीडियो एडिट ही कर रही थी, वही वाला वीडियो। मेरे को ना केक ऑर्डर आ गया है, अर्जेंट वाला। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मुझे ऑर्डर आता है ओरियो बिस्किट वाला। जो ओरियो बिस्किट जो रहता है ना, वैसी टेस्ट का केक चाहिए। तो मेरे हस्बैंड लाने गए हैं ओरियो बिस्किट, बस उसी को फ्लेवर के लिए ऊपर से डाल दूंगी और क्या बोलते हैं डेकोरेशन में वो यूज़ कर दूंगी। और वो जल्दी आ जाते हैं तो शायद मैं ये केक के फिलिंग्स में भी वो मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो लेट से आएंगे ना तो वो नहीं यूज़ कर पाऊँगी। मैं ऐसी चॉकलेट वाला केक बना रही हूँ, उसे ना ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी, ठीक है। तो इसे मैं अमन से अभी जस्ट निकाल कर लाई हूँ, तो ये अभी गरम है। तो गरम में क्या होता है, थोड़ा सा ना टूटने का डर रहता है, तो आप लोग ना ये गरम गरम में मत करना, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस मैन हूँ तो कर लेती हूँ, मेरे से भी टूट जाता है। टूटा वाला भी स्पॉन्ज मैं कैसे भी करके बना देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अभी गरम है तो मैं इसे उल्टा करके रख दी हूँ, देखते हैं ठंडा होगा। उसके बाद मैं सारा चीज़ बना कर रख ली हूँ, शुगर सीरम बना कर रखी हूँ। उनको ना एकदम वाइट में चाहिए केक, और आज मेरे पास ना टाइम ही नहीं है, पता है, खाना बनाने का टाइम ही नहीं है मेरे को। तो मैं ये केक जल्दी फिनिश करके खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं 6:30 को ना खाना बनाने लगती हूँ। लेकिन आज हमारा खाना लेट से बनेगा लग रहा है, क्योंकि आज सब्जी में मैं बनाऊंगी जो गार्डन से मैं तोड़ कर लाई थी ना सब्जी, वो वाला सब्जी बनाऊंगी बारी साइड का, और दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी। तो इतना सारा चीज़ बनाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। इसे बनाते मुझे आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। टूटे मत वो सीट यार, ये देखो गरम में ऐसी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ गरम में आप लोग मत निकालना। लेकिन ये टूट गया तो हम क्या करेंगे, इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम केक पर रखेंगे ही, ठीक है। ये मेरा स्केल थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। वो ठंडा होता तो अच्छे से निकल कर आती है, ठीक है। इसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसे भी मैं चिपकाऊँगी ऊपर से। वो बुरा लग रहा है मेरे को, टूट जाता है तो। ये देखो ऐसे ही आप लोग से भी टूट सकता है। तो थोड़ा सा टूट गया है, हम इसे लेयर्स कट करेंगे, ठीक है। ऊपर का टॉप लेयर्स मैं हटा देती, देखो गरम में कट करने से ना ये हाल होता है इसका, इस तरह से टूटने से लग जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे गरम में नहीं कट करते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा ठंडा हो जाएगा तब कट होता है, गरम में उतना अच्छा कट नहीं होता है और टूटने का बहुत डर रहता है। फिर भी मैं ना ये रिस्क लेती हूँ, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर है, मुझे आधा एक घंटा में इसे देना है और इसे फ्रीज़र पे फ्रीज पे सेट होने के लिए भी रखना है। इसीलिए फर्स्ट टाइम मुझे ओरियो बिस्किट फ्लेवर का ऑर्डर आया है। अब ये देखो, जब कस्टमर ने कॉल किया, उसकी छोटी सी बेटी है, लड़की है, उनका नाम रूही है, तो वो बार बार ना ओरियो फ्लेवर ऐसे करके बोल रहे थे। तो मुझे ख्याल आया ओरियो बिस्किट फ्लेवर का ना उनको केक चाहिए। तो मैं क्या की, देखो मेरे पास ओरियो फ्लेवर तो है नहीं, तो मैं क्या की इससे भी हमने काम चला ली। तो आज का वीडियो ना एंड तक देखना, अगर आपके पास भी अगर कोई कस्टमर बोलता है कि ओरियो फ्लेवर बिस्किट पर ना उनको केक चाहिए, तो आप कैसे ट्रिक अपना सकते हैं। देखो केक का स्पॉन्ज मैंने बनाई है चॉकलेट से, ठीक है, लेयर्स भी चॉकलेट का कर रही हूँ, चोको चिप्स भी डाल रही हूँ। तो इस स्टेज पे आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। ओरियो बिस्किट जो आता है ना उसको लेकर आना, जो चोको चिप्स डाल रही हूँ ना उसके जगह आप ना ओरियो बिस्किट को एकदम मिक्सी पे बारीक पीस लेना, उसके ऊपर में ऐसे जो चोको चिप्स डाली ना उसके बाद उस
उसकी जगह आप वो ओरियो बिस्किट की क्रस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मिक्सी पे बनाए हुए हैं 3-4 बिस्किट को पीस कर तो उसे ही डाल देना, उससे बहुत अच्छी फ्लेवर्स आ जाती है। मैं ऐसे ही करने वाली थी लेकिन मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे और ये केक मुझे इतना अर्जेंट में देना था, आधा घंटा में देना था। मतलब अभी मैं बना रही हूँ 7 बजे ये केक और मुझे देना था 7:30 को, तो मैं रुक नहीं सकती थी। तो मैं क्या कि मैं इसी से काम चला ली, जब बिस्किट आएगा तो उसके बाद मैंने उसको कैसे बनाई वो भी वीडियो आप देखेंगे। तो ये देखिए, ये गनाज बनाई हूँ। गनाज बनाने के लिए डार्क कंपाउंड लगता है, इसे भर भर के डालते हैं और इसी से केक का टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। अच्छा, मैं केक बनाने से पहले केक वाले का रिव्यू बता देती हूँ भाई, क्योंकि रिव्यू आया इतना सुंदर, इतना प्यारा रिव्यू आया ना कि दिल खुश हो जाता है। ऐसे कस्टमर कभी हमें पर्सनल सामने से बताता है ना कि तो आपका केक बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे हस्बैंड जब गए थे घूमने और ना वो भैया ना केक का ना 7:30 को ले गए थे, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आते हैं 9 बजे। अब रास्ता पे वो दिखे होंगे मेरे हस्बैंड को, वो तो यार केक इतना अच्छा था, मज़ा आ गया खाकर, बहुत ज़ोरदार अच्छा केक बनाए थे ऐसे करके। मतलब ये सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना होम बेकर्स लोग को, तो ये सुनने को ही मिलता है और अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग फ्रेश केक बनाते हैं तुरंत 1 घंटे में, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। और ऊपर से हमने गनाज बनाई है, भर भर के चॉकलेट डाली है, चोको चिप्स डाली है, उसकी टेस्ट की तो हो, मतलब नाम लेते ही एकदम ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, गनाज का नाम सुनते ही। इतनी टेस्ट रहती है हमारी गनाज जो बनता है, उसी से हमारा केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं इसमें ओरियो बिस्किट का टेस्ट कैसे लाती हूँ वो आप वीडियो के एंड पे देखना ना, उससे भी मैं बताऊँगी। अब ये देखिए, इस तरह से हम डाल रहे हैं क्रीम। क्रीम मैं ले ली हूँ 250 ग्राम, 1 पाउंड का हमारा केक है। एकदम उसको चाहिए था, एकदम वाइट केक चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या कि व्हाइट व्हिपिंग क्रीम से पूरा केक कवर कर ली, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को ना एकदम प्लेन सिंपल केक ही पसंद आता है। तो ये वैसे तो छोटी सी बच्ची थी, लेकिन बार बार उसके पापा बात कर रहे थे ना फ़ोन पे, तो वो भी बोल रही थी कि एकदम वाइट सादा केक चाहिए लेकिन ओरियो टेस्ट पे चाहिए, ओरियो ओरियो करके। मेरे दिमाग से झट से आइडिया आया कि क्यों ना ये ओरियो बिस्किट ही लाया जाए और उसे ही बनाया जाए और फिर उसका टेस्ट भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो के एंड पे देखेंगे कि मैंने उसका टेस्ट कैसे लाया, केक पे और कस्टमर को इतना पसंद वो कैसे आया। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं सारा केक क्रम कोट कर लेती हूँ, उसके बाद ना देखो केक को इस तरह से फिनिशिंग देना रहता है स्केल्स की सहायता से, और ये हम स्केल से ही करते हैं, ठीक है। इस स्टेज पर ना स्केल को बार बार गीला करके मैं नल से आते जाती हूँ। जब भी क्लास लेते रहती हूँ तो मैं यहाँ पानी रख लेती हूँ, लेकिन क्लास नहीं रहता है तो मैं नल से तुरंत धोकर आ जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने केक को चिकना करते हैं। अब देखो ये केक इतनी अर्जेंट है और मुझे इसे चिकना करने के लिए ना बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या कि ब्रश उठाई और इस तरह से जिग जग करते हुए इतना सुंदर प्यारा डिज़ाइन बनता है ना, वो आप वीडियो के एंड पे देखेंगे फोटोज़ पे। ऊपर में भी मैं सेम डिज़ाइन दी। देखो मैं अपने सारे कस्टमर को ये डिज़ाइन बताती हूँ भाई, अगर आपसे केक चिकना नहीं हो रहा है तो आप ये ट्रिक अपना सकती हैं ब्रश से। आपके पास ब्रश नहीं है तो काटा वाला चम्मच तो रहता है ना, सभी के घर मैगी खाते हैं तो आप उससे अपना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फ्रिज पर रखने चली गई केक को, उसके बाद मैं कर कुछ डिज़ाइन वगैरह सोचती हूँ। मेरे हस्बैंड बिस्किट लेकर आए नहीं है, उसी का वेट कर रही हूँ। अगर वो बिस्किट लेकर आए तो मैं आगे का डिज़ाइन सोचूँ। हमारा आज का केक ना 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम पे बन गया। देखो फाइनली मेरे हस्बैंड बिस्किट लेकर आ ही गए और अभी बज रहे हैं 7:15 हो गए। 15 मिनट में मैंने आइसिंग ख़त्म कर ली। अब देखो बिस्किट 10 रुपये का बिस्किट इतना महंगा आता है और इतना ही था। मैं क्या कि एक एक फीस ली, उसे दो दो टुकड़ों पे कट की, उसका क्रीम बाहर निकाल दी और इस तरह से तोड़ते गई, ठीक है। अब इसे तोड़ते गई, अब मेरे पास ना मिक्सी चलाने के लिए इतना टाइम नहीं था और छोटा वाला मिक्सी था भी नहीं, हमारा ख़राब हो गया था और इतना सा थोड़ी इतना बड़ा जार पे डालोगे वो पिसाएगा ही नहीं। तो मैं क्या कि अपने हाथ से ही तोड़ कर एकदम बारीक बना ली, ठीक है, इस तरह से बारीक बना ली। अब मैं इसे ही ना केक के किनारे किनारे लगाती हूँ और इसी से ही ओरियो बिस्किट का फ्लेवर आता है गाइस। आप चाहते तो ये ना सेम लेयर्स पे यूज़ कर सकते, गनाज डालते थे उसके ऊपर यूज़ कर सकते थे, या फिर आप चोको चिप्स डाले थे उसके ऊपर में इसे छिड़क सकते थे तो भी ओरियो का टेस्ट आ सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम आए नहीं थे, मेरे हस्बैंड अभी लेकर आए, तो मैं ये ना साइड साइड से लगाऊंगी और मेरे कस्टमर को इतना अच्छा लगा ना ये केक, हो मैं बता नहीं सकती थी। और ये मेरा फर्स्ट कस्टमर है और फर्स्ट ओरियो बिस्किट फ्लेवर को
का ना उनको केक चाहिए था, तो इस तरह से हम बना दिए थे। ठीक है, आप सब भी ऐसे ही करना अगर आपके पास अगर कोई ऐसे ऑर्डर्स आ जाए तो। ये देखो कितने बारीक से मैंने इस तरह से इसका इस तरह से पाउडर जैसे बना ली है। अब इसी को मैं कैसे लगाऊंगी, देखो अभी मैं ना एक चम्मच लेकर आती हूँ। ठीक है, चम्मच नहीं जो आता है स्केल जैसे उसे की उसी को ही मैं लेकर आ गई हूँ धोकर। अब मैं केक वापस लेकर आती हूँ। ये देखो मैं केक भी वापस लेकर आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को बॉर्डर्स नहीं देना है, बॉर्डर्स नहीं दूँगी यहाँ, मुझे ओरियो का टेस्ट लाना है। तो देखो नीचे का बाइट तो सभी के पास जाता है केक कट होता है, तो मैं नीचे नीचे पे ही ना मोटा लेयर्स ऐसे ओरियो का बिछा रही हूँ। जब भी केक कट होगा नीचे का लेयर हर कोई खाता ही खाता है, तो उसमें ना ओरियो का टेस्ट भी जाएगा और ऊपर से भी लगा रहेगा। तो ऊपर नीचे ओरियो का टेस्ट लगा रहेगा, अंदर हमारा चॉकलेट गनाज की टेस्ट रहेगी। और ये केक उनको इतना पसंद आया, इतना पर्सनली ना मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने ना रिव्यू दिए तो, और बहुत प्यारा रिव्यू था उनका, उनका भी दिल खुश हो गया। अब वो कस्टमर मुझे परमानेंट बन गए। जिसको भी मेरा केक अच्छा लगता है वो ना मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाता है। अब उसके घर में किसी का भी बर्थडे होगा वो ऑर्डर मुझे ही देंगे। तो इस तरह से ना कस्टमर मेरा बढ़ता जाता है। तो इस तरह से मैं बॉर्डर्स दे दी ब्लैक एंड वाइट थीम पर। उनको चाहिए था क्रीम, एकदम वाइट चाहिए था उसको और कुछ नहीं चाहिए था। तो इस तरह से मैं खाना भी बना रही थी किचन में, तो बार बार मैं उधर किचन में भी देखने जाती थी कि खाना मेरा बन रहा है, क्योंकि अभी साढ़े सात हो रहा है ना, 7:30 हुआ नहीं है, 7:15 हो गया। इसी टाइम मैं खाना बनाती हूँ। तो खाना में मैं अभी भाजी आलू बना रही हूँ। भाजी आलू कौन सा भाजी था, वो मास्टर भाजी था। और दाल बना रही हूँ और ना खाना बना रही, तो तीनों मेरे गैस पे चढ़े हुए हैं, तो उसे भी जा कर देखते रहती हूँ किचन पे। इस तरह से डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कि मेरा कुछ बिस्किट रखाया हुआ है उसे भी मैं कुछ टुकड़ों उस पर तोड़ लेती हूँ। उससे पहले मैं एक रोज़ नोज़ल लेकर आती हूँ ना, मेरे पास थोड़ा सा वाइट क्रीम बचा था, तो वही वाइट क्रीम से मैंने मेनेज की। मैं फिर से क्रीम नहीं व्हिप की, और ये हमारा 1 pound का केक है और इसे मैं 350 rupees में सेल की। वैसे तो मैं ना चॉकलेट केक 450 rupees में सेल की, लेकिन ये भैया बोले ठीक है 350 में बना दो, तो मैं बना भी देती हूँ। ठीक है, 350 में, तो ये 350 का केक था। तो इस तरह से एक साइड में डिज़ाइन बनाई रोज़ वाला, जो कि बहुत प्यारा लगता था। फाउंटेन से मैंने रूही लिखा था, तो उनका नाम रूही था, तो इस तरह से बीच में लगा दी। उनको एकदम वाइट केक चाहिए था ना, इसीलिए कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और हमारा चॉकलेट केक ब्लैक एंड वाइट पे ही बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे मैंने उनका नाम रख दिया भूमि। लास्ट में मैं ना वहाँ ऊपर पे टैग भी लगा देती हूँ, हैप्पी बर्थडे का टैग। अब देखो इसमें बॉर्डर्स की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह से कुछ लगा कर देख रही हूँ बिस्किट। ऐसे करा दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोचती हूँ इसे गोल गोल रख देते हैं, लेकिन ये दो दो है तो उसे एक एक निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, उसका क्रीम नहीं लगा रही हूँ ना, क्रीम निकाल कर एक एक बिस्किट इस तरह से रख दी। और कलर इसका इतना खूबसूरत लग रहा था ना देखने में ही, एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि खाएगा जब इसको केक तो कितना अच्छा लगेगा, मज़ा ही आ जाएगा ना केक खाने वालों को। तो बहुत प्यारा लग रहा था दिखने में भी, डेकोरेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ बिस्किट बचा था उसे मैं दो दो टुकड़ों पे कट करके इस तरह से रोज़ के बीचेस पे लगा रही थी। डेकोरेशन इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, कस्टमर देखते ही खुश हो गया डेकोरेशन को। और टेस्ट के बाद तो उन्होंने रिव्यू भी दे दिए भाई, बहुत प्यारा रिव्यू था। इस तरह से सिल्वर डस्ट मैं दे रही हूँ अपने केक पे, और इससे हमारा केक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये वीडियोस पे कैप्चर नहीं होता, लेकिन सामने से देखने से ना बहुत अच्छा इसकी चमचमाती हुई लगती है। सिल्वर डस्ट कलर डाल देती हूँ तो इस तरह से हमारा केक तैयार हो गया। आप सब बताओ आपको केक कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा सिल्वर बॉल्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब देखो हमारे केक को फ्रीज़र पर सिर्फ 10 minutes रखने का ही टाइम है। ठीक है, वो 7:30 को आ जाएंगे लेने के लिए, और फिक्स वही टाइम में ही आया भाई वो। मतलब ना क्या करूँ, मैं इतना काम कर रही थी, इसके बाद अपना बर्तन भी साफ़ करना था, सारा काम करना था। बिहाइंड द सीन में आप देखेंगे भी, शायद इसी वाला वीडियोस पे दिखा दूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस ना, काम कितना सारा रहता है ये भी आप लोग देखना। और रात को ना मेरे को अभी पिज्जा ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो ये केक का डिज़ाइन कुछ इस तरह था, इस तरह से था। देखो ब्रश की डिज़ाइन कितनी अच्छी आई है ना, बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो आप स्टार्टिंग में तो ब्रश वाला डिज़ाइन अपनाना, देखो बहुत खूबसूरत लगता है।
लगता है, मतलब देखने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और ये बहुत ईजी सरल है, जल्दी बन जाता है। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। आपको केक अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो ओरियो बिस्किट उस बच्ची का फेवरेट है, तो उन्होंने वही वाला फ्लेवर्स पे बोला और केक खाते ही उनका दिल खुश हो गया। और मेरे हस्बैंड को रास्ते में ही उन्होंने बोले, वाओ यार क्या केक बनाया था, मज़ा ही आ गया केक खा कर करके। तो आगे अपना अपना बिहाइंड द सीन देखिए।